नमस्कार दोस्तों, 10 बजने को है। आज फिर हम एक ऑफिस में हैं, देखते हैं अधिकारी समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं। लगातार अभियान चला रहे हैं हर विभागीय अधिकारी, हर उस आला अधिकारी को जो जिम्मेदार है जनता की सेवा के लिए। तो आज फिर हम एक नए ऑफिस में हैं, आइए चलते हैं। 10 बजने को हो चुके हैं, आला अधिकारी ऑफिस में है कि नहीं। दोस्तों गाड़ी तो रखी हुई है, कार्यालय आप देख लीजिए, कार्यालय उप कृषि निर्देशक ललितपुर जनपद, एक गाड़ी रखी हुई है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कर्मचारी जो है वो समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 9:30 बजे के टाइम दिया गया है और मैक्सिमम जो भी अधिकारी वो 10 बजे अपने कामकाज संभाल लें। ये अधिकारियों का कक्षा है, बाबू बैठे हुए हैं यहाँ पर। संतोष कुमार सविता जी यहाँ पर अधिकारी है, तो देखिए अधिकारी भी मौके पर उपस्थित नजर आ रहे हैं, मीटिंग चल रही है। सर कितने बजे आए थे आप? हम तो आ जाते हैं 9:45 बजे यहाँ पे। 9:45 बजे जी, आधे साढ़े नौ के हैं लेकिन कुछ और भी हमारे काम रहते हैं, बिल विल रहते हैं या कुछ और भी राजकीय कार्य रहते हैं, इधर जूम मीटिंग भी रहती है 9 बजे, तो इसीलिए आना पड़ता है। समय से आने में एक लाभ ये भी है कि हमारे और भी काम समय से हो जाते हैं। तो बाबू लोग आ जाते हैं समय, हमारे यहाँ पे अगर अधिकारी आ जाएंगे तो स्वाभाविक अधिकारी बाबू को भी आना पड़ेगा। हमारे यहाँ सारी टीम जम जाती है, हमारे यहाँ 9:15 तक सारी टीम जम जाती है। मैं जो है 9 बजने में 10-15 मिनट कम रहता है, मैं आ जाता हूँ। जब अहम है और आपका सोलर पंप वाली है और किसान सम्मान निधि है, इनके बारे में लोग जानकारी भी करने आते हैं, वो भी हम जानकारी इनको समझ देते हैं और समस्याओं का निस्तारण प्रभावी ढंग से मतलब जो है हम लोग कर रहे हैं। जो भी हमारे किसान आते हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि कार्यालय उप कृषि निर्देशक जनपद ललितपुर के कार्यालय में हम लोग थे, वहां पर जो वहां के डीडी हैं वो वहां पर बैठे हुए थे और बोल रहे हैं कि 9:45 बजे आ जाते हैं। अगर वो 9:45 बजे आते हैं तो स्वाभाविक बात है कि जो नीचे के कर्मचारी हैं बाबू हैं वो और पहले आ जाते होंगे। तो अगर एक विभाग ऐसा जो शासन के आदेश है कि 9:30-10 बजे और वो अगर 9:45 पे 9 बजे बैठ रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि काम भी अच्छे हो रहे होंगे और शासन की मंशा के अनुरूप काम कर रहे होंगे। हम लगातार किसी ना किसी ऑफिस के अधिकारी से आपको मिलवा रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली को आपको बता रहे हैं और समय पर ऑफिस पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं इसको भी चला रहे हैं। ऐसे ही कल फिर किसी ऑफिस में हम लोग पहुंचेंगे, अधिकारी से मिलेंगे, कितने बजे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, अगर पहुंचे हैं तभी मिल पाएंगे। सर वैसे अधिकांश अधिकारी समय पर नहीं आ रहे हैं। आज फिर हमने GM कलेक्ट्रेट में हमने देखा कि ADM अनिल मिश्रा बाहर खड़े हुए थे, मतलब वो ही समय पर पहुंचे हैं और बाकी के उनके जो कर्मचारी हैं बाबू हैं वो पहुंचे हैं, और SDM नजारद हैं, DM नजारद हैं। तो फिर देखते हैं, कभी किसी दिन फिर मिलेंगे। कोई ना कोई, जय जय भारत।